हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 में एक्सरसाइज 11.4 का 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दे रखा है, इन एग्रीकल्चर फार्म इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक कृषि योग्य जो फार्म हाउस है वो पैरेललोग्राम की फॉर्म में है विद बेस 18 डेकामीटर। 18 डेकामीटर है ये डेकामीटर एंड एल्टीट्यूड 9 डेकामीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसकी वाटरिंग की जो कॉस्ट है वो निकालनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग अपना यहाँ से आंसर स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ये फील्ड है वो इस तरह से पैरेललोग्राम की फॉर्म में ऐसी। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी जो एल्टीट्यूड है यहाँ से ये होगी एच, ये 9 डेकामीटर। ठीक है, और इसका जो बेस है वो 18 डेकामीटर। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या करते हैं, बेस ऑफ फील्ड उसको बी से नोट करते हैं, ये कितना है 18 डेकामीटर। और 18 डेकामीटर होता है वो 18 × 10 यानी कि 180 मीटर। ठीक है, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। ठीक है, अभी हाइट एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ फील्ड, इसको एल्टीट्यूड कह दो चाहिए हाइट कह दो, वो कितना है 9 डेकामीटर। ये डेकामीटर है तो 9 × 10 करते के साथ में कर या क्या कर दूंगा 90 मीटर। एरिया ऑफ फील्ड जो फील्ड है वो आपका पैरेललोग्राम की फॉर्म में, तो क्या आएगा इसका एरिया b × h बेस × हाइट। तो b कितना आपका 180 और मल्टीप्लाई हाइट 90, तो 18 × 162 होते 162, तो ये हो गया 10 इसका 10 यहाँ से 16,200 और ये हो गया आपका स्क्वेयर मीटर। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑफ वाटरिंग 1 स्क्वेयर मीटर। ठीक है, तो ये है ₹0.75। ठीक है, ये 75 पैसे इसको मैंने रुपीज़ में बदल दिया है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वाटरिंग कितना 162 और ये 00 स्क्वेयर मीटर, क्योंकि फील्ड का एरिया ये है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको जब आगे करते हैं तो ये इसको कट कर देता हूँ, ये 3/4 आता है, 3/4 रुपीज़। ठीक है, कैसे आता है यहाँ से 75/100 करता हूँ। ठीक है, तो ये 25 3 जा और ये 4 जा, तो 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/4 और मल्टीप्लाई 162 और ये 00। ठीक है, तो 4 से अभी मैं इसको कट कर देता हूँ, 4 1 जा 4 4 जा, ठीक है 16। अभी 2 ने चले गए तो डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे फिर 5 जा 20 और ये 0। ठीक है, तो ये आगे 3 × 4050। ठीक है, तो 4 × 12,150 रुपीज़। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं ना 4050, इसको 3 से करते हैं तो ये 0 आ गया, 5 × 15 ये आ गया, 4 × 12 12,150 आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने सीधा ही कर दिया था, तो आप लोग इसको देख लेंगे। अभी स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD AB 18 है, 18 सेंटीमीटर दे रखा है, BC 12 सेंटीमीटर है, ABC 12 सेंटीमीटर दे रखा है, AE इज परपेंडिकुलर CD, AE सी डी पे परपेंडिकुलर है एंड AF BC पे परपेंडिकुलर है। AF कहाँ है, AF ये है, ये BC पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये है कि यहाँ पे ये एल्टीट्यूड बना रहे हैं। AE 6.4 सेंटीमीटर, AE ये 6.4 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ AF, AF की लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस ये पैरेललोग्राम ABCD है, इसका एरिया हम दो तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे, यहाँ से हम अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ABCD तो कैसे निकालते हैं, यहाँ से
अगर मैं बी इसको लेता हूँ, डी सी को बेस लेता हूँ, तो हाइट क्या होगी? ए एफ ए ई, तो डी सी मल्टीप्लाई ए ई, ठीक है, डी सी मल्टीप्लाई ए ई, तो डी सी आपका कितना रहेगा? 18 मल्टीप्लाई ए ई कितना है? 6.4, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी का जब एरिया निकालते हैं हम लोग, तो दूसरी बात क्या है कि हम लोग अगर बी सी को बेस मान लेते हैं तो आपका ए एफ है हाइट बन जाएगी, तो बी सी आपका क्या है? बेस, और हाइट कितनी है आपकी? ए एफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो बी सी आपका कितना है? 12, और मल्टीप्लाई बी सी आपका 12 है, और मल्टीप्लाई ए एफ का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नंबर आपकी 2 होगी, ये स्टेट नंबर 1 होगी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, और यहाँ भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो दोनों बराबर है ना, तो इनको बराबर कर देते, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो क्या रहेगा? 12 मल्टीप्लाई ए एफ, 12 मल्टीप्लाई ए एफ इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 6.4, ठीक है। तो ए एफ को अभी मैं इधर रखता हूँ, तो ये 18 मल्टीप्लाई 6.4 और ये 12 इसके नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई है ना ये, तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से करते हैं, यहाँ से 6 2 जा और 6 3 जा, अब इसको यहाँ से कट कर देते हैं, 2 1 जा और 2 3 जा और 2 2 जा, ठीक है, 32 को 3 से 96 आ गए, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 9.6 और ये सेंटीमीटर, तो ए एफ आपका कितना आ जाएगा? ए एफ इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ए एफ आपका 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ए एफ ही हमें निकालना था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम अपना ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम अपना होमवर्क का देख लेते हैं, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल एक्सरसाइज 11.4 इन फेयर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 11.4 है फेयर नोटबुक में कंप्लीटली सोल्व कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।